अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज कौरमा। ये 2 टेबल स्पून फली, काजू, बादाम सब भुन के रख लिया है। खोपरा है ये, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, 2 मीडियम प्याज को भी अच्छे से तलेंगे, थोड़ा तेल डाल के भून लेंगे। ये आलू फ्राई कर लेंगे, 4 आलू लिया था मैंने। ये गोश्त को अच्छे से काट के धोकर रख लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, गरम मसाला, 1.5 टीस्पून मिर्ची, हल्दी, नमक आप अपने हिसाब से डालें। ये पूरा मसाले गोश में मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून तेल डाल लेंगे इसमें। 1/2 ग्लास पानी डाल के, तेल डाल दिया है, 1/2 ग्लास पानी डाल के 4 से 5 सीटी लगा देंगे। गरम मसाला भी ऐड कर लिया है, कुकर लगा देंगे। ये पूरे मसाले अच्छे से इसको पीस लेंगे। ये पीस लिया है, ये देखिए गोश्त गल गया, इसमें भी पानी है। ये पानी को भी सूखने देंगे, अच्छे से भून लेंगे। मसाले पूरे ऐड कर लेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से साफ करके मसाले पूरे ऐड कर लिया है। 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे रख देंगे, बीच में 1-2 बार चेक कर लेंगे। 1 कप दही है, ये दही को भी अच्छे से फेंट दिया है। ये देखिए तेल आया आ गया इसमें, और अच्छे से पकने देंगे इसको 5 मिनट और डाब देंगे इसको। तो 3 मिनट के बाद में फिर चेक करेंगे। देखिए अच्छे से पक रहा है, अच्छे से भून लेना है इसको। जब तक मसाले तेल छोड़ देते अलग, वैसा भून लेना है इसको। ये आलू भी फ्राई हो गए हैं, ये देखिए मसाले अच्छे से भून रहे हैं। इसमें हम आलू डाल के भी इसको अच्छे से पकने देंगे 5-3 मिनट तक। देखिए तेल और आ गया इसमें आलू डालने के बाद में भी, अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा साइडों से तेल आ जाता जब तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड कर लेना है इसमें, देखिए अच्छे से पक रहा है। दही ऐड कर लिया है, दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके जो और मसाला था गरम हरा मसाला वो भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हो गया है,
इसमें हम अब पानी डाल देंगे। मैं 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको पकने देंगे 5 मिनट तक, 5 मिनट 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। फिर उसको दम पे रख देंगे तेल आने तक। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए 5 मिनट तक दम पर रखने के बाद में अच्छे से तेल आ गया था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।